निर्दलीय विधायकों की सर्किट हाउस में बुधवार को बैठक हुई। बैठक में स्वयं लोढ़ा, महादेव सिंह खंडेला, रामकेश आलोक बेनीवाल, ओपी हुडला, सुरेश टाका और राजकुमार गौड़ा, रामेला खड़िया, खुशवीर जोजावर, कांति मीना, लक्ष्मण मीना और बाबूलाल नगर मौजूद रहे। हालांकि बलजीत यादव बैठक में शामिल नहीं हुए। बैठक के बाद निर्दलीय विधायक ने प्रेस वार्ता की, जिसमें उन्होंने कोरोना मैनेजमेंट के लिए सीएम गहलोत का आभार जताया। निर्दलीय विधायकों ने कहा है कि मंत्रिमंडल का विस्तार कब होगा यह फैसला सीएम पर छोड़ देते हैं। रिक्त पद भरने संविदा कर्मियों की नियमित भर्ती का केंद्र के आग्रह करते प्रेस वार्ता को संबोधित करते हुए वहीं विधायक संयम लोढ़ा ने कहा है कि राहुल गांधी ने हमें एसोसिएट मेंबर बनाया है, किसी को हम पर सवाल उठाने का अधिकार नहीं है। प्रदेश वासियों को स्थिर सरकार देना हमारा कर्तव्य है। सरकार को अस्थिर करने की कोशिश हुई तो धूल चटाएंगे। वहीं उन्होंने आगे कहा है कि अशोक गहलोत के नेतृत्व में पहले भी इरादे नेस्त नाबूद किए गए हैं। मुख्यमंत्रियों को षड्यंत्र रचने का समय भी नहीं है। अशोक गहलोत ने भाजपा के नेताओं को घुटने टिकवा दिए थे। पायलट भाग्यशाली हैं, अच्छे घर में पैदा हुए, लगातार पद मिलते चले गए, उन्होंने संघर्ष देखा नहीं है। लोढ़ा ने आगे कहा कि हम साधु सन्यासी नहीं है, राजनीतिक कार्यकर्ता है। मुख्यमंत्री जिसे चाहेंगे उसे मंत्री बनाएंगे। आपको हमारी रिपोर्ट कैसी लगी हमें कमेंट बॉक्स में लिखिए। बाकी और खबरों के लिए जुड़े रहिए SPN 9 News के साथ।